सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल के मामले पर हरियाणा के हक में फैसला सुनाया तो पंजाब में सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। वहीं हरियाणा रोडवेज ने सुरक्षा को लेकर तुरंत जरूरी कदम उठाए, लेकिन प्रशासन के सख्त कदम से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही हरियाणा के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं पंजाब में लोग दुखी होते देखे गए। दूसरी तरफ हरियाणा रोडवेज को सुरक्षा का खतरा नजर आया। जींद रोडवेज ने अपनी उन बसों पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी जो पंजाब जाती हैं या फिर पंजाब के रास्ते जम्मू कश्मीर का रुख करती हैं। रोडवेज अधिकारी का कहना है कि मुसाफिरों की सुविधा के लिए पंजाब बॉर्डर तक गाड़ियां भेजी जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए हमें बॉर्डर तक गाड़ियां भेज रही हैं, जो अपना पंजाब का बॉर्डर है वहां तक गाड़ियां भेज रही हैं। जींद से पंजाब और जम्मू की तरफ हर रोज 17 बसें निकलती हैं। अधिकारी ने बताया कि इस तरह की रोक लगाने से रोडवेज को एक दिन में करीब 10 लाख रुपए का नुकसान होगा। नुकसान तो कम से कम भी 10 लाख का तो जरूर नुकसान होगा एक दिन का। हाँ, एक दिन का, जो पंजाब में कम से कम भी 17 टाइम है, पंजाब का 10 लाख के करीब नुकसान होगा। वहीं बसों के बंद होने से यात्री बेहद परेशान नजर आए। किसी तरह का विकल्प नहीं होने के चलते वो सरकार से तुरंत राहत की गुहार लगा रहे हैं। मेरे को लुधियाना जाना था और यहाँ पर कोई बस नहीं है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, परिवहन व्यवस्था नहीं है, ऐसे आम जनमानस को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ा ही निंदनीय विषय है, इसके बारे में दोनों राज्य सरकारों को संज्ञान लेकर तुरंत ही बस सेवा सुचारू रूप से संचालन करनी चाहिए। बसों के बंद होने से जींद से जम्मू, कटरा, पटियाला और अमृतसर समेत कई शहरों तक की यात्रा पूरी तरह प्रभावित हो रही है। साथ ही पंजाब ने भी नरवाना के रास्ते जींद और दिल्ली को जाने वाली कई बस सेवाओं को बंद कर दिया है। जींद से राजकुमार गोयल की रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर अम्बाला से भी पंजाब की ओर जाने वाली हरियाणा रोडवेज की सभी बसों को रोक दिया गया है। अम्बाला पंजाब के बॉर्डर पर पड़ता है और इसलिए यहां से ज्यादा लोग रोजाना पंजाब आते और जाते हैं, लेकिन आज रोडवेज की एक भी बस अम्बाला से पंजाब नहीं गई, जिसके चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हरियाणा सरकार के इस फैसले से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि बसें क्यों पंजाब नहीं जा रही, लेकिन उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। पंजाब में जो जाने वाली बसें हैं वो रोक दी गई हैं, जो कि हमारे को मुख्यालय से आदेश प्राप्त हुए हैं, उनके आदेशों के अनुसार हमने पंजाब में जो भी हमारी बसें जाती थी उनको रोक दिया गया। जैसे ही मुख्यालय से आदेश आएंगे उसके बाद बसें खोल दी जाएंगी। हाँ जी,